Students, we are today we are discussing two new questions. These two questions are very important and oftenly it was asked in the examination. So ये दो नए जो questions मैं आपको बता रहा हूँ बहुत important हैं. आज मैं इन questions को लेके discuss करूँगा. Trigonometry के chapters से लिए के दो questions हैं. तो देखिए इसमें सबसे पहला question क्या है. सबसे पहला question हमारा ये है कि if tan A is equal to n tan B, tan A की value n tan B में है और sin A की value m sin B है, तो प्रूफ मुझे करना है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन. देखिए सबसे पहले इसको समझिए कि करना कैसे है. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला भी देखिए जो प्रूफ केस है, प्रूफ से हेल्प लेंगे हम यहाँ पर. जो प्रूफ है हमारे पास जो वैल्यू है वो किसमें है, केवल कॉस स्क्वायर ए में. ए मीन्स दैट इज जो हमारा वर्टेक्स एंगल है वो केवल ए है. तो इसका मतलब हमें जो गिवन है बी, इसमें बी हमें नहीं चाहिए. दोनों ही केस में बी नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस बी को इन टर्म्स ऑफ ए में मुझे लिखना है, बी को इन टर्म्स ऑफ ए में कन्वर्ट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. सॉल्यूशन, तो फर्स्ट व्हाट हैव गिवन, मुझे गिवन क्या है यहां पर, टेन ए इज इक्वल टू एन इंटू टेन बी. ओके, नाउ टेन बी को उधर ले आए हम, टेन ए को उधर ले जाए हम, तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन टेन ए इज इक्वल टू एन अपॉन 1 अपॉन टेन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए. या इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन टेन बी इट इज कॉट बी इज इक्वल टू एन अपॉन टेन ए. क्लियर. नाउ द सेकंड वन, ये मेरे पास कॉट बी की वैल्यू आ गई. अब दूसरे में देखिए साइन ए, सिमिलरली साइन ए गिवन है एम इंटू साइन बी में, इसको भी आप ऐसे कर दीजिए, b इन टर्म्स ऑफ a में ले आए तो इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, वन अपॉन साइन b इज इक्वल टू m अपॉन साइन a. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन b को लिख सकते हैं cosec, cosec b इज इक्वल टू m अपॉन साइन a. इसको मैंने लिख दिया. एज वी नो दैट, देखिए अब हमें दोनों मिल गए, cot b की वैल्यू भी मिली, cosec b की वैल्यू मिली. बट वी नो दैट वी हैव एन आइडेंटिटी, कॉट और कॉसेक के साथ में एक आइडेंटिटी है आपको ना दे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में. और वो आइडेंटिटी क्या है, एज वी नो दैट बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन. तो इसकी जगह हम दोनों वैल्यूज को रख देंगे यहां पर, कॉसेक थीटा क्या मेरे पास, कॉसेक बी, सो कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन. कोसेक स्क्वायर बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोसेक बी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा ये, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट की वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन. नाउ ओपन इट, इसको सॉल्व करिए, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर, टेन को ब्रेक कर दो साइन और कॉस में, तो यह बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और इसके नीचे जो कॉस होगा ये चला जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए. क्लियर है, मैंने टेन को ब्रेक कर दिया साइन अपॉन कॉस में, जो नीचे कॉस था वो ऊपर ऑलरेडी जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए में. दोनों में एलसीएम निकाले क्या जाएगा, इन दोनों में अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा आपका इसमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, एम स्क्वायर इक्वल टू वन. तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. नाउ साइन स्क्वायर ए को ब्रेक कर दो कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए. कॉस कॉस को एक साइड शिफ्ट कर लीजिए तो वन को उधर ले जाएंगे, एन को उधर ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो ये वैल्यू तो होगी एम स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन, अंदर क्या बचा एन स्क्वायर माइनस वन. सो कॉस स्क्वायर ए को कीपिंग राइट हैंड साइड के साथ में जो इसको नीचे साइड में ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन. एंड
दिस इज द प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन का जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है।